सो हे गाइस, दिस इज वर्षा और वंस अगेन कम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, मैंने देखा है कि कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करना है, स्क्रिप्ट टाइप को कैसे यूज करना है उनको अपनी कोडिंग में। उनको ये प्रॉब्लम होती है कि कहाँ यूज करें, उसको ऊपर यहाँ यूज करें या फिर उसको नीचे यूज करें यहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको ये डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपको स्क्रिप्ट कैसे यूज करनी चाहिए और कहाँ यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो का यही एम रहेगा कि स्क्रिप्ट टाइप को आप कैसे यूज करो, आपके कोई कोडिंग में प्रॉब्लम ना आए, कोई एरर ना शो करे किसी कंसोल एरर में, ठीक है। सो लेट्स गेट जंप इनटू द वीएस कोड एंड सी हाउ वी विल कोड स्क्रिप्ट टाइप इनटू आवर एचटीएमएल। सो गाइस, फर्स्ट थिंग यू विल डू कि आप एक न्यू फाइल क्रिएट करोगे। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं फाइल क्रिएट करता हूँ main.html, ठीक है। एक फाइल html की होगी और एक फाइल क्या होगी, हमारी जावास्क्रिप्ट की होगी, ठीक है ना। तो मैं दो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, main.html और main.js, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे html का बेसिक जो होता है उसको मैं टैग को ला देता हूँ, ठीक है ना। तो आप वीएस कोड में आप इतना टाइप कर दोगे ना, तो फिर एक मिनट, आप वीएस कोड में सिर्फ html ऐसे करके टाइप करोगे तो आपको पूरा देखो यहाँ पे एक html का एक बेसिक सा टेम्पलेट बन के आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो, मैंने आपको स्नैप में बताया था कि आप चाहो तो स्क्रिप्ट टैग को यहाँ भी यूज कर सकते हो और नीचे भी यूज कर सकते हो स्क्रिप्ट टैग को, ठीक है ना। तो सपोज मैं यहाँ पे एक सोर्स दे देता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट फाइल की, ठीक है ना। तो आप यहाँ भी यूज कर सकते हो अपने स्क्रिप्ट टैग को और नीचे भी यूज कर सकते हो। लाइक देखो, मैं अगर यहाँ कर दूँ, कई लोग नीचे यूज करते होंगे, ठीक है ना। तो नीचे यूज करने का क्या फायदा होता है, मैं आपको पहले ये बता दूँ, ठीक है। तो मेन जीएस में मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ क्या, मैं कुछ भी टाइप करता हूँ। लाइक पहले मैं यहाँ पे कोई टैग टाइप कर लेता हूँ, लाइक टेप टाइटल, ठीक है। और सेम मैं ऐसे ही दो तीन बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कैसे किया, ये मैंने ऑल्ट शिफ्ट को दबा के नीचे एरो को क्लिक किया तो ये पेस्ट हो गया, ठीक है ना, कॉपी करके। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ सबटाइटल, और ये रहेगा हमारा क्या, कैप्शन, ठीक है ना। जस्ट उसको आपको एग्जाम्पल कैसे है बताना है, ठीक है ना। अब देखो, मैं मेन डॉट जेएस वाले फाइल में जाता हूँ, और मैं यहाँ पे उन एचटीएमएल टैग को सिलेक्ट करता हूँ। मैं कैसे करूँगा, देखो ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइटल टाइप टाइप कर दिया, ऐसे ही मैं इसको भी पेस्ट कर लेता हूँ तीन बार। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो सब टाइटल हो जाएगा। अब देखो, मैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट की का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक से लिए सेपरेट एक वीडियो बनाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ने सही मैंने इस टैग को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूँ ब्राउजर में, अगर अब मैं कंसोल में अगर जाता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे मैं टाइटल टाइप करता हूँ, तो देखो ये टाइटल टैग क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही सब टाइटल भी शो करेगा, ऐसे ही कैप्शन भी शो करेगा, यानी कि ये क्या कर रहा है, जावास्क्रिप्ट ने क्या किया है, उस टैग को, इस टैग को क्या किया है जावास्क्रिप्ट ने, कैच कर लिया है, ठीक है ना। इस टैग को जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, टैग कर लिया, ये जो है। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब आप इस स्क्रिप्ट टैग को क्या करोगे, ऊपर कर लोगे इसे, कई लोग यहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर अब मैं उस एस्टिमेट टैग को सिलेक्ट करने की ट्राई करूँगा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा जो ब्राउजर है, पहले जो जावास्क्रिप्ट की फाइल को क्या करता है, प्रायोरिटाइज करता है, पहले उसको पहले उसको लोड करता है अपने फाइल में, ठीक है ना। जिससे कि क्या होता है, आपने तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है पहले क्या, टाइटल को चूज करने का, लेकिन आपने डॉम तो बाद में लोड हुआ, डॉम ये होता है जो आपने एचटीएमएल को डिफाइन किया है, ठीक है। तो डॉम तो बाद में लोड हुआ, तो एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट की फाइल आपकी पहले लोड होगी, तो जब उस वक्त क्या था आपके में एचटीएमएल में ये तो था नहीं, इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे नल दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ, तो देखो अब क्या होगा, ब्राउजर आपके ऊपर से रीड करेगा, तो ये सारे फाइल क्या होंगे, आपके लोड हो जाएंगे, उसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट का फाइल यहाँ पे लोड होगा, ठीक है ना। तो अब मैं अगर टाइटल टाइप करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे, तो ये देखो अब काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन गाइस, दिस इज ओल्ड स्कूल, लेकिन गाइस, दिस इज ओल्ड स्कूल स्टाइल, ठीक है ना। तो मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे, कि आप डिफर टैग एक होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट टैग में यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो डिफर टैग के यूज से आपको क्या होगा, कि आप इस टैग को, स्क्रिप्ट टैग को आप चाहो तो ऊपर भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डिफर टाइप करना होगा, ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन ये है कि डिफर टैग आप तभी यूज करोगे जब आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिंक का यूज करोगे, ठीक है ना, आप इंटरनली नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करके मैं अगर चाहूँ तो जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ भी लिख सकता हूँ, ये वर्क करेगा, लेकिन आप इसमें डिफर टैग का यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना।
तो डिफर टैग क्या करता है, ये पहले डॉम के सभी एलिमेंट को क्या करता है, लोड कर लेता है, फिर जावास्क्रिप्ट को भी क्या करता है, पैरेलली भी अपलोड करते रहता है, लोड करते रहता है, ठीक है ना। जिससे कि अगर मैं यहाँ पे टाइटल टाइप करूँ ना, तो देखो अब शो कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा है कि आपको नीचे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ब्राउजर का आपका लोड टाइम बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये SEO में और बहुत सारे आपके ब्राउजर आपके वेबसाइट को लोड करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो आप डिफर टैग का यूज ऐसे कर सकते हो, ये न्यू है, मॉडर्न है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो गाइस यही था डिफर टैग का यूज़, और स्क्रिप्ट टैग को आप ऊपर भी यूज कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा ना डिफर टैग के साथ कि आपकी ब्राउजर की लोड टाइम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। सो गाइस होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तभी करना जब आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हो, ठीक है। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई एम गोना ब्रिंग यू लॉट्स ऑफ दिस काइंड्स ऑफ स्टफ टू दिस चैनल, सो जस्ट स्टिक टू दिस चैनल एंड टेल टू योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब ऑल्सो। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।